हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपसे पॉलिटर से नमस्कार। बात करते हैं टाइगर थ्री की। बड़ा मजेदार है टाइगर थ्री। टाइगर थ्री इतनी लड़ाई इतनी झगड़ाई मतलब मैंने जीवन में नहीं देखी। बट तो हम आज बात ही नहीं करेंगे, कल हमने बहुत बात कर ली इस बारे में। टाइगर थ्री का जो एडवांस बुकिंग है, एक इंटरेस्टिंग मोड़ के ऊपर है मैं ये बोलूँगा। और ये इंटरेस्टिंग मोड़ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ जवान के 5.5 लाख थे, काफ़ी आगे है, उसकी बात हम ज़्यादा नहीं कर सकते और कॉन्टेक्स्ट सेटिंग थोड़ी गलत हो जाती है। क्योंकि हम बोलें कि जी सीधा हर बारी टाइटैनिक ही बननी चाहिए, हर बारी कोई भी मूवी आए तो बस दूसरी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ देनी चाहिए। वो अपने रेल्म के अंदर, अपनी कैपेसिटी के अंदर हिट है कि नहीं है ये देखना लोग बंद कर देते हैं। तो जवान वैसे 5.5 था, उसको साइड करते हैं, पठान को साइड करते हैं, आदि पुरुष और गदर जो है वो थोड़ा अचीवेबल टारगेट है। पहले फर्स्ट माइलस्टोन क्रॉस कर लेते हैं। 2.74 गदर का था और आदि पुरुष की जो टिकटें बिकी थी वो 2.85 लाख टिकटें बिकी थी। ठीक है, टाइगर के बारे में बात करते हैं। टाइगर की जो कल तक टिकटें बिकी थी ओवरऑल बेसिस पे, पहले उस पर चलते हैं। 4.2 लाख टिकटें बिकी थी, 11.5 करोड़ रुपए आ गए थे। अब 5.5 लाख टिकटें बिक चुकी हैं ओवरऑल बेसिस पे, क्लोज टू 6 लाख हो रही हैं एज वी स्पीक। 14 करोड़ रुपए के आसपास इसका कलेक्शन आ चुका है ओवरऑल बेसिस पे। 255 रुपए की टिकट है। आईमैक्स पे अच्छा पिकअप कर रहा है क्योंकि इसके अंदर 11,000 टिकटें बिक चुकी हैं। लगभग लगभग ये 1 करोड़ रुपए की बुकिंग कर लेगा इवेंचुअली, अभी 70 लाख रुपए की है। तेलुगु जो है 25 लाख तक पहुंच गया, कल 20 था। तमिल भी 1 से इंक्रीज होकर 10 पे पहुंच गया है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वो अच्छा सिग्निफिकेंट जंप आया क्योंकि जहाँ पर शाहरुख खान के बहुत सारे फैंस हैं वहाँ पर टाइगर भैया यानी सलमान खान के टाइगर 3 देखने के लिए भी बहुत एंथुसियास्ट हैं, स्पेसिफिकली UAE वगैरह में। तो वहाँ पर 5 करोड़ रुपए इंक्रीज हो गए 9 करोड़ रुपए। तो 9 करोड़ रुपए एक हो गया और जो 14 करोड़ रुपए है वो एक हो गया जो कि डोमेस्टिकली आना है। तो टोटल मिला के जो कल का 14 करोड़ रुपये वर्ल्ड वाइड था वो 23 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड हो चुका है। इसके अलावा जो डे 2 का जो कलेक्शन है उसमें 4 करोड़ रुपये की एडिशनल बुकिंग है, बट उस डे 2 की बात है। और डे 3 जो होगा उसके अंदर भी 3 करोड़ रुपए के आसपास की बुकिंग है। सब कुछ मिला दिया जाए अगर तो 30 करोड़ रुपए होते हैं, जो कंफर्म्ड बात है। लेकिन ऑल विल डिपेंड ऑन फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अगर ये नॉइज सुबह जो 7 बजे और कुछ सिनेमा अगर 6 बजे का भी शो लगा रहे हैं, 6 बजे का मतलब है कि लेट से लेट आपको 1.5 घंटे बाद रिव्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो 8:30 बजे के आसपास रिव्यूज आने शुरू हो जाएंगे और वहां पर फर्स्ट डे फर्स्ट शो और इन बिटवीन भी कई बार लोग कर देते होते हैं। तो अगर वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो का इंटरवल टाइम पीरियड भी अगर ये आ गया कि टाइगर इज बैक एंड हाउ, इतना ही लिख दिया तो जॉब इज डन। तो फिर तो अलग ही लेवल पे ये जाने वाली है। टाइगर की जो डोमेस्टिकली टिकट बिकी हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज चेन के अंदर PVR आइनॉक्स वगैरह, वो है 1.6 लाख टिकटें। ठीक है, इसी टाइम के दौरान लगभग लगभग जवान की 2.5 लाख बिक गई थी और पठान की 2.7 बिक गई थी। वो काफ़ी आगे चल रहा था, बट जैसे मैंने बोला अभी ये जब टारगेट बहुत बड़ा ले लो तो फिर जो छोटा वाला टारगेट होता वो भी नहीं अचीव होता। अभी एक एक करके चलते हैं। अभी गदर 2, आदि पुरुष वगैरह का जो टास्क है उसको पूरा करते हैं, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। और हर मूवी में आपने देखा होगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी बिल्कुल जिंदा है। जो मैं टोन आज टाइगर 3 के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैंने गदर 2 के लिए भी यूज़ करी थी, पठान के लिए भी करी थी, जवान के लिए भी करी थी, यहाँ तक कि आदि पुरुष के लिए भी करी थी। तो मुद्दा ये है कि सिनेमा का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक मौका मिल गया ट्रोलिंग करने का। सिनेमा का मतलब होता है कि आप गए, एंजॉय किया, जो चीज़ अच्छी नहीं लगी आपने बता दी, जो अच्छी लगी उसमें आपने सीटी मार दी और फीडबैक दे के आगे यार अगली बार अच्छा कर लेना। और जो आप लेग पुलिंग करने लग जाते हो तो मतलब आपके जीवन में बहुत फ्रस्ट्रेशन है जो आप किसी और पे निकाल रहे हो। और जब आप लुक बैक करते हो तो जिन स्टार्स के बारे में आप बात कर रहे हो तो वो तो 4-4, 5-5 हज़ार करोड़ रुपये कमा के लोगों का प्यार बना के कर चुके हैं और आप क्या कर चुके हो, शायद आपके पास नौकरी भी ढंग की नहीं है। तो लेट्स नॉट डीमीन पीपल अननेसेसरी, दैट्स माय रिक्वेस्ट। मान सकते हो तो ठीक है, आपका जीवन थोड़ा सा टेंशन से कम भरा रहेगा, बाकी आपकी इच्छा आपको मज़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है। बट इतना मुझे जरूर भरोसा है, लास्ट 3-4 दिन में स्पेसिफिकली बात करके इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा चैटिंग चलती है, तो ज़रूर कनेक्ट कर लेना कि जो मूवी शूवियंस हैं इस चैनल के ऊपर वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं और वो कभी भी डीमीनिंग लैंग्वेजेस यूजली यूज़ नहीं करते हैं। जो आउटसाइडर आते हैं जिनको मूवी शूवी का मोटो यानी कि पॉजिटिविटी जिंदा है उसके बारे में नहीं पता है तो वो शायद इधर उधर भटक जाते हैं, ज़्यादा भटकते हैं तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ, बट अदरवाइज एवरीबडी इज सो नाइस। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम जो कम्युनिटी बना रहे हैं, छोटी बड़ी सही, स्लो ग्रोथ सही, लेकिन अच्छी बना रहे हैं, सभ्य लोगों की बना रहे हैं और पॉजिटिव चेंज के लिए बना रहे हैं, ये नहीं कि बस ट्रोल कर दिया उठा के। तो कमिंग बैक टू टाइगर 3, आई थिंक इट विल डू अ वेरी गुड नंबर। माई डे 1 बेट इज स्टिल 40 करोड़ ओनली,
लेट्स सी हाउ इट शेप्स अप. अभी एक दिन और है, वो सैटरडे वाला दिन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगा. और कोई प्रीमियर की अगर मेरे को न्यूज आती है कि कोई सेलिब्रिटी प्रीमियर हो रहा है तो फिर मैं आपको बताऊंगा. अभी तक कोई न्यूज नहीं है. अगर वो हुआ तो सेलिब्रिटीज के भी बहुत सारे रिव्यूज, रिएक्शन, उस तरीके की चीजें, या फिर जो सेलिब्रेटेड रिव्यूअर्स हैं जो कभी हुआ करते थे यूट्यूबर से पहले, वो लोग भी डालेंगे नहाटा वाटा टाइप्स. तो वो जब डालेंगे नहा के तो वो भी सुन लेंगे हम कि क्या कह रहे हैं. ठीक है जी, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज के साथ. स्टे कनेक्टेड. और कुछ जानना चाहते हो टाइगर 3 के बारे में तो बता देना. इसके अंदर ऋतिक रोशन फॉर श्योर है और जूनियर NTR का वॉइस ओवर है. ये एक एडिशनल अपडेट. बाय बाय.